लाइक आई हैव फ्रेंड्स हु आर गिविंग लाइक अभी फिफ्थ अटेम्प्ट दिया है, इंटरव्यू स्टेज पे नहीं क्लियर हुआ है, स्टिल ही इज वेरी मच इन टू द यूपीएससी जर्नी एंड वो सिक्स अटेम्प्ट भी देगा, बट वो खुश है एंड दैट वॉट मैटर्स. कि अगर आप खुश है तो आप 6 अटेम्प्ट दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली आप कर सकते हो तो इट्स गुड. बट जहां आपको वेट सेकेंड अटेम्प्ट वेट थर्ड अटेम्प्ट, जिस अटेम्प्ट पे आपको लगे कि यार मेंटली थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है और आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आप किसी और के लिए, फैमिली के लिए या रिलेटिव्स के लिए कर रहे हो, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट. क्योंकि तन मन धन से जब करोगे तभी जाके निकलेगा एग्जाम. Hi everyone, my name is Anuj Jindal. Welcome to my channel. Today I have Kalpak with me, जिसका मतलब होता है a creative person. जो मैंने कल्पक से पूछा before starting with this interview. He has a very unique name and we are going to have a very unique conversation today. तो बहुत अच्छा conversation होगा, बहुत मज़ा आने वाला है because हम लोगों ने decide किया है कि एक interview को अलग direction में लेके जाएंगे. So Kalpak has cracked RBI Grade B examination in this year, that is 2021. First of all, congratulations on clearing it in this year. And before starting with the actual interview, I would want Kalpak only to talk a little bit about himself, unka educational background, your work experience, if any, what happened after your, after all the entire education that you went through, uske baad kya kiya, all those things. Yes. So, hi everyone. I'm Kalpak Ashok Mahale. I'm from Mumbai, where I did my schooling. And later I got into IIT Delhi. I did chemical engineering. It was a dual degree program. So I completed my program in 2017. And since graduation, I have been preparing for civil services examination. So in the meanwhile, I have given one attempt of Maharashtra Public Service Commission also, but couldn't clear the prelims of it. And I have given two attempts at RBI. This was my second attempt. And the first attempt was in 2019, but I couldn't clear the phase one in 2019, and this was the serious attempt. Perfect. So Kalpak, मेरे दिमाग में अभी तुम बोल रहे थे तो एक सवाल आया. So बात ऐसी है, I was yesterday in a government school in Delhi. तो दिल्ली गवर्नमेंट का एक एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम चलता है, तो जिसमें मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ. एवरी ईयर आई गो टू सर्टेन स्कूल्स, वहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं, उनको थोड़ा सा बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में. तो एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि फेलियर्स से कैसे डील करें लाइफ में. अब वो 10th क्लास की बच्ची है, वो इस तरह से सोच रही है, दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग. तो यहाँ पर मुझे आया कि तुमने भी 4 फेलियर्स फेस किए 2017 onwards. So how did you deal with those failures? So sir, first thing, my optional was psychology in UPSC. और भले marks उतने अच्छे नहीं आए हो, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैंने बहुत अच्छे से subject को समझा था. तो जब भी मैं subject को पढ़ता था, मैं उसको अपने real life से काफी relate कर पाता था. तो psychology उसका knowledge plus my family background और family support, it helped a lot. और आई एम फ्रॉम द बिगिनिंग, आई एम अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. सो मेरे लिए ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल. तो अगर जब भी जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट आई वुड से कि मैंने देना नहीं चाहिए था प्रीलिम्स 2017 में, आई वाज जस्ट ग्रेजुएटेड, आधी अधूरी सिलेबस कंप्लीट हुआ था. सो यूपीएससी ऐसे क्रैक नहीं होता. लोगों ने कहा, मतलब कोई सीनियर्स थे जिन्होंने बोला कि यार आईआईटी से हो, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता. बट यूपीएससी प्रीलिम्स इज समथिंग कि जहाँ तुम 100% प्रिपेयर हो, तब जाके तुम्हारे 50% मार्क्स आएंगे, इवन उस दिन पे तुम्हारा नसीब थोड़ा अच्छा हो. तो इस वजह से 17 का अटेम्प्ट तो होना ही नहीं था. आई कैन से 18 में मैंने अच्छे से एक साल पढ़ाई की थी, फिर भी 2 मार्क्स से प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं हो पाया था. तो उस टाइम पे मैंने खुद को ये समझाया था कि यार देखो ठीक है, 2 मार्क्स से छूटना थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मेंस के लिए मैं उतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था, ये मुझे ऑनेस्टली पता है. सो अगर प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता तो शायद मेंस तो नहीं हो पाता इस साल, क्योंकि मैंने ऑप्शनल अच्छे से नहीं करा है अभी तक. तो दैट हेल्प मी मूव ऑन. फिर 19 में इट वाज माय फर्स्ट मेंस. जब मेंस नहीं हुआ, तो जब मेंस लिखे थे तभी मेरे साथ जो थे 19 में, जिसके साथ मैंने मेंस लिखा था, लाइक आईआईटी के लाइब्रेरी में मेरे साथ बहुत लोग थे, बट हम 4 लोग थे लाइब्रेरी से जो सेम सेंटर पे थे. तो वन ऑफ द फ्रेंड हु वॉज विथ मी फॉर द मेन्स एग्जाम, ही गॉट अंडर 20 रैंक इन दैट ईयर.
CSE 19. सो उसकी पढ़ाई, उसका अटेम्प्ट देख के मुझे कहीं ना कहीं पता था कि येस दिस इज द बेंचमार्क, और मैं उस लेवल तक तो इस मेंस में नहीं पहुंच पाया हूँ. तो कहीं ना कहीं बीइंग ऑनेस्ट विथ योर प्रिपरेशन और योर एफर्ट्स हेल्प्स. तो जब 19 का मेंस का रिजल्ट आया, सो तब तक मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी. तो उस टाइम पे ये ख्याल था कि ठीक है, हमें पता है कि क्या करना है, हमने देखा है लाइब्रेरी में लोगों को पढ़ते हुए जिन्होंने क्लियर किया है, तो ठीक है एक साल है और देंगे. अब फर्स्ट मेंस था, 3 साल हो चुके हैं, बट फैमिली में एज सच कोई प्रेशर नहीं था. फॉर्चुनेटली फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक था, पापा ने पूरा फ्रीडम दे दिया था कि जब तक तुम्हें देना है तुम दे सकते हो, सिंस ही इज स्टिल सर्विंग इन द सर्विसेज. तो दैट वॉज द थिंग. और दूसरी बात, फिर यही सोचा था कि चलो एक ही फर्स्ट मेंस था, एक और मेंस दे देंगे, अच्छे से देंगे. फिर उसके बाद कोविड आया, 2020 मार्च में मुझे शिफ्ट होना पड़ा मुंबई, एंड फिर थिंग्स सारी चेंज हो गई उस मार्च के बाद. एंड सभी के लिए इट वॉज डिफिकल्ट सिचुएशन, बट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज आई कुडंट मैनेज माई द एनवायरमेंट गॉट चेंज. आई वॉज यूज टू स्टडिंग इन लाइब्रेरी, जहाँ पे एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता था मुझे. मैं कहीं ना कहीं उस तरह से वायर्ड हो गया था कि जब मैं लाइब्रेरी आ रहा हूँ मुझे लोग दिख रहे हैं पढ़ते वक्त, और जब मैं जा रहा हूँ तभी भी लोग पढ़ते वक्त दिख रहे हैं, तो मैं वो देख के रोज मेरी पढ़ाई चलती थी. अगर तुम डे वन से घर पे अकेले पढ़ रहे हो, शायद तुम्हें वो महसूस ना हो, तुम्हें उसकी ज़रूरत ना पड़े. बट हर इंसान अलग है, हर एक की थिंकिंग अलग है, और देयर इज नो आई डोंट हैव एनी थिंग टू एक्सेप्ट. कि मैं वैसे प्रिपेयर कर रहा था कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ना है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपको कॉम्पिटिशन दिख रहा है. तो वो थी, वो यहाँ आके कहीं ना कहीं वो चीज़ गायब हो गई थी. मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि घर वाले भी बोल रहे हैं बेटा बहुत पढ़ रहे हो, आप थोड़ा आराम कर लो. एंड इट वॉज क्वाइट एग्जॉस्टिंग. फैमिली थोड़े इश्यूज हो गए थे घर पे, सो पर्सनल इश्यूज के वजह से भी थोड़ा डिफिकल्ट था फोर्थ अटेम्प्ट. और फोर्थ अटेम्प्ट के मेंस के बाद यही फील थी कि यार जो सोच के मैंने 19 के मेंस के बाद जो सोचा था, वैसा तो प्रिपरेशन भी नहीं हो पाया. और कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस में, बिकॉज ऑफ माई प्रिपरेशन, आई वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट विथ माई प्रिपरेशन, सो आई न्यू कि प्रिपरेशन कहाँ जा रही है. तो 2020 के मेंस के टाइम उस ऑनेस्टी के वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम था. तो उस अंडर कॉन्फिडेंस में मैंने जो मेंस दिया वो शायद उससे मतलब उतना ही, जैसे सोचा तो बहुत इम्प्रूवमेंट का था, बट उसी लेवल का हो पाया. तो फिर 2020 के बाद मुझे पता था कि यस, अगेन वो ख्याल तो आ रहा है कि एक साल और दो तो शायद अच्छा हो सकता है, बट वो भी ख्याल आ रहा था कि यार एक साल तो दे भी दिया, और कोविड के वजह से वो 1.5 साल तक हो गया था. तो देर आर ऑलवेज फैक्टर्स जो अपने कंट्रोल में नहीं है, एंड थिंग्स कैन गो रॉन्ग इन एनी वे. इवन UPSC मेंस है कि कोई एक पेपर आपका खराब हो जाए तो यू आर आउट ऑफ द रेस. तो देर इज नो गारंटी. एंड सिंस 4 साल हो गए थे ग्रेजुएशन के बाद, तो आई वॉन्टेड टू कंट्रोल माई लाइफ. माई करियर डिसीजन शुड बी इन माई कंट्रोल, नॉट इन द UPSC's. लाइक थोड़ा जो लक फैक्टर है मुझे उस पर नहीं छोड़नी थी चीज़ें. सो आई डिसाइडेड टू थिंक अबाउट अदर एग्जाम्स. एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली I had not filled the form for Maharashtra Public Service Commission back in 2020, since I had decided to give another serious attempt at UPSC. और उसका एग्जाम पोस्टपोन होते होते इस साल 2021 में होना था, बट आई वॉज नॉट मैंने फॉर्म ही नहीं फिल करा था. तो अब उसी दौरान RBI का फॉर्म आया था जस्ट मेंस के बाद, तो मैंने RBI का फॉर्म फिल किया. मैंने 19 में अटेम्प्ट दिया था, तो आई न्यू कि फेज वन कैसा होता है, और थोड़ा बहुत RBI के बारे में जानकारी थी. तो मैंने सोचा कि हाँ सीरियसली करेंगे. अभी एक फरवरी का मंथ आ चुका था, एंड March 6 को हमारा फेज वन डिसाइडेड था. तो मैंने सोचा कि ठीक है, 1 महीना फेज वन को देंगे, और फेज वन के बाद फेज टू का सोचेंगे. आइडियली इट शुड नॉट बी लाइक दैट. आप फेज टू के लिए पहले से प्रिपेयर हो, इट विल ऑलवेज हेल्प. बट आप मेरी सिचुएशन को देखो, तो मेरे पास उतना ही टाइम था, और उसमें अब मुझे फेज वन क्लियर करना भी जरूरी था. तो मैंने फेज वन को प्रायोरिटी दी, और फेज वन मतलब उस 2 महीने में, फेब्रुअरी और मंथ मार्च में, मैंने सिर्फ RBI के लिए पढ़ाई की थी. सोचा तो था कि UPSC भी साथ में करेंगे ताकि अगला अटेम्प्ट भी दे सके, बट थोड़े दिनों बाद महसूस हुआ कि नहीं, अगर RBI सीरियसली करना है तो अभी दो स्टेप्स पे पैर नहीं रखते हैं, एक ही चीज़ करते हैं, अच्छे से करते हैं. तो फिर जब RBI का मेंस हुआ, उसके बाद मेंस का रिजल्ट आया, तो देन आई वॉज क्लियर कि शायद ये अटेम्प्ट UPSC का देना नहीं है जो है. सो UPSC अभी RBI पे फोकस करेंगे, इंटरव्यू अच्छे से देंगे,
और अगर इवन आरबीआई नहीं होता है तो आई विल लुक फॉर सम अदर जॉब और सम अदर एग्जाम, बट बाय द एंड ऑफ 2021 आई वॉन्टेड टू गेट इन टू सम जॉब। मुझे वो लाइफस्टाइल में चेंज लाना था, मैं घर पे 1.5 साल से बैठा था, मुझे और ज्यादा वो लाइफस्टाइल नहीं जीनी थी, तो दैट वॉज द थॉट प्रोसेस। आई कैन कनेक्ट विद यू वेरी वेल. आई थिंक इट्स अ वेरी ऑनेस्ट यू नो अकाउंट जो तुमने दिया है, और मैं भी देना चाहता हूँ कि दिस इज द मिस्टेक दैट आई मेड व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. जैसे तुमने कॉलेज में ही पढ़ाई शुरू करी, एंड इवन आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज, इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग, तुमने कंटिन्यू करा वहाँ जाना, लाइब्रेरी में पढ़ना. और मैंने भी वो 1-2 साल किया. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, यहीं पे आके कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठता था. तो इट यूज टू बी वेरी ईजी, बट यहाँ के रूल्स इतने ज़्यादा लिबरल नहीं है. आप एक बार कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हो, आपके कुछ टाइम के बाद अलाउ नहीं करते बैठना. तो थोड़े खराब हैं, आई थिंक दे आर नॉट वेरी गुड. लाइब्रेरी इज समथिंग जिसका एक्सेस हर किसी को होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो. तो उसकी वजह से आई हैड टू स्टडी एट होम, एंड आई कैन वेरी वेल कनेक्ट कि तुमने 1.5 साल घर पे रह के तुम वो स्टेज में थे. मैं 4-5 साल घर में बैठा रहा, तो आई कैन वेरी वेल गो इन बैक इन टाइम एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा, मेरी 4 साल में कितनी बुरी हालत हो चुकी थी, सारे बाल उड़ चुके थे. तो 1.5 साल में गेटिंग यू नो स्टार्टिंग टू गेट इन टू दैट स्टेज कि यार अभी बहुत हो गया है, नाउ आई कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर, दैट इज वेरी नॉर्मल. तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए सोचना कि ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन एक तरफ है, बट अपनी लाइफ को ऐसे सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट एट अ मेंटल लेवल. मेंटल और यस, फिजिकल लेवल पे नहीं करना चाहिए. इफ यू आर एंजॉयिंग इट, इफ यू आर एंजॉयिंग द राइड, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम, राइट सर। लाइक आई हैव फ्रेंड्स हु आर गिविंग, लाइक अभी फिफ्थ अटेम्प्ट दिया है, इंटरव्यू स्टेज पे नहीं क्लियर हुआ है, स्टिल ही इज वेरी मच इन टू द यूपीएससी जर्नी, एंड वो 6th अटेम्प्ट भी देगा, बट वो खुश है, एंड दैट वॉट मैटर्स। कि अगर आप खुश है तो आप 6 अटेम्प्ट दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली आप कर सकते हो, तो इट्स गुड। बट जहां आपको वेट, 2nd अटेम्प्ट, वेट 3rd अटेम्प्ट, जिस अटेम्प्ट पे आपको लगे कि यार मेंटली थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है और आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आप किसी और के लिए, फैमिली के लिए या रिलेटिव्स के लिए कर रहे हो, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। क्योंकि तन मन धन से जब करोगे तभी जाके निकलेगा एग्जाम, और जहां भी थोड़ा कोई फैक्टर लैकिंग है वहां पे फिर एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है, वो बैकफायर करता ही करता है. वेरी राइट. तो एक डिस्क्लेमर हो गया कि ये यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो, बिकॉज ही हैज़ बीन अ यूपीएससी एस्पिरेंट. काफ़ी लंबी जर्नी रही है, तो हम ये एक डिफरेंस था जो हम क्रिएट करना चाहते थे कि भाई उनके पर्सपेक्टिव से भी सोच लेते हैं एक बार. बिकॉज अभी तक जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं, यूपीएससी की इस तरह से बात नहीं करी कभी, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कल्पक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ठीक है, तुमने ये सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है आरबीआई की, और 2 महीने में तैयारी भी करी. तो अगर कोई एक दूसरा यूपीएससी एस्पिरेंट है जिसका ऑप्शनल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसके पास 2 से 3 महीने हैं, तो वो किस तरह से अपने प्रेजेंट नॉलेज को यूज़ करके आरबीआई की तैयारी अच्छे से कर सकता है, एक सीरियस अटेम्प्ट दे सकता है? राइट, तो सर फर्स्ट थिंग, यार कोई भी एग्जाम हो, जैसे हमें बोला जाता है कि आप यूपीएससी दो ना तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, बट एक उसमें कंडीशंस अप्लाइड ये होते हैं कि उस एग्जाम को भी ढंग से जान लो। किसी भी एग्जाम में उतरोगे, सीधा मुंह उठा के चले जाओगे तो नहीं होगा। दैट आई डिड इन 2019। मैं 2-3 दिन बस करंट अफेयर्स देख के चला गया था, जो आरबीआई के बुकलेट्स आती है करंट अफेयर्स के लिए, तो वो देख के चला गया था, एंड आई थॉट कि हाँ इजिली हो जाता है। बट क्वेश्चंस का जो डिमांड है वो आरबीआई में कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो आपको उस लेवल पे जाके करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना होगा जहाँ पे आपको फैक्चुअली चीज़ें याद रखनी होगी। तो बस एक बार वो जान लो, और प्रोवाइडेड आपने यूपीएससी सीरियसली प्रिपेयर करा है, आपका इकोनॉमिक सोशल इश्यूज वाला एंड फाइनेंस वाला थोड़ा सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर है कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। और सिंस इस अटेम्प्ट के बाद से आरबीआई ने भी डिस्क्रिप्टिव कर दिया फेज 2, विच इज मेंस, तो वहाँ थोड़ा हेल्प करेगा आपका यूपीएससी का आंसर राइटिंग वाला एस्पेक्ट। बट दिस वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन इट हैपेंड, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा फेवर कर गया होगा, बट नेक्स्ट ईयर से जो आरबीआई के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर होंगे। तो ये मत सोच के जाना कि इस साल बहुत सारे यूपीएससी वालों का हो चुका है आरबीआई में, तो अपना भी हो रहा है, कंपटीशन यहाँ भी उतनी ही सीवियर है, आपको उतना ही अच्छे से यहाँ प्रिपेयर करना होगा। बट यस, आपका जो नॉलेज है यूपीएससी के लिए, आपने जो 2 साल या 3 साल जो दिए हैं उसका नॉलेज यहाँ काम आएगा,
एक बार बस एग्जाम की डिमांड समझ लो, एग्जाम का पैटर्न समझ लो। फेज वन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, चार सेक्शन होते हैं। चारों सेक्शन की इंडिविजुअल टाइमर होता है और चारों का इंडिविजुअल कट ऑफ होता है जो आपको क्लियर करना होता है। तो आपको यहाँ अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आपका कॉन्ट्स एंड रीजनिंग अच्छा होगा, दे वो मैं एज्यूम कर सकता हूँ। बट पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि सी सैट की वजह से थोड़ा लिनियंट से थे, हमेशा बस 60 क्वेश्चंस करके आने हैं तो टाइम का कभी सोचते ही नहीं थे। तो यहाँ मुझे उस फेज वन के 1 महीने पहले यही प्रिपेयर करना था कि कैसे विद इन टाइम करना होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा हो सकता है कोई यूट्यूब पे ट्रिक्स एंड टिप्स वाले वीडियोस देखने पड़े। तो देर इज नो कोई गलत बात नहीं है, भले आप IIT से हो, जो जरूरी है वो करना होगा, वो कर लो, इट विल हेल्प। और इंग्लिश अगर आपका अच्छा है तो वो मैनेज हो जाएगा, डिसेंट लेवल की इंग्लिश की डिफिकल्टी होती है। और जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर्स बुकलेट्स आते हैं, जैसे अनुज जिंदल सर का भी अच्छा कंपाइलेशन आता है मंथली, वो मैंने 1 महीने के लिए रेफर करा था। तो वो मुझे उस टाइम पे लगा था कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको ऊपर ऊपर से देखते हैं, बट जब क्वेश्चन आए थे फेज वन में तब पता चला कि नहीं, वो थोड़ा वेल थॉट आउट था। और उसको अगर तुम वैसे कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स को प्रिपेयर करो, तो जैसे लास्ट ईयर का हमारे टाइम का फेज वन का जनरल अवेयरनेस सेक्शन था, वो आप इजीली टैकल कर पाओगे। उसमें भी अगर आप फेज टू के लिए पहले से पढ़ रखे होंगे तो वो भी ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे मेरी पढ़ाई थी फेज वन, सिर्फ फेज वन की पढ़ाई थी, तो उसमें वो जनरल अवेयरनेस टैकल करना थोड़ा मुश्किल था। बट UPSC का जो अपना एलिमिनेशन गैस वर्क वाला जो ट्रिक्स होते हैं वो यहाँ हेल्प किए और उस वजह से वो मैनेज हो पाया। एंड कमिंग टू द फेज टू पार्ट, तो यहाँ पे आपको 3 पेपर्स होंगे 100 100 मार्क्स के। तो इंग्लिश को आपको 100 मार्क्स पूरा सब्जेक्टिव है, यहाँ सब्जेक्टिव आपको कीबोर्ड से टाइप करना है तो आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी डिसेंट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप पहले से उसकी भी प्रैक्टिस शुरू करें। और फिर बाकी 2 पेपर्स में 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव यू कैन वेरी मच इजीली हैंडल, उसके लिए आप जब फेज वन के लिए पढ़ रहे होगे उसी हिसाब से आप पढ़ रहे होगे। फेज टू का जो आप प्रीलिम्स, UPSC प्रीलिम्स के हिसाब से आप फेज टू का ऑब्जेक्टिव हैंडल कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट, भले आपको UPSC की आंसर राइटिंग हेल्प करेगा, बट यहाँ पे भी वर्ड लिमिट अलग है, टाइप क्वेश्चन का अलग है, तो आपको उसको भी थोड़ा उस नज़र से तैयार करना होगा। आप सीधा UPSC मेंस देख के यहाँ जाओगे तो शायद दिक्कत होगी, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के और थोड़ा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड पे टाइप करना है तो वर्ड लिमिट ऑलमोस्ट उतनी ही है। वहाँ हम 3 घंटे में 4,000 वर्ड्स लिखते हैं, या शायद 1.5 घंटे में 2,000 वर्ड्स की डिमांड है, तो आप समझ सकते हो कि टाइपिंग करना है वो भी, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। और जैसे मेरे बारे में बात करूँ तो मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल था, तो साइकोलॉजी ऑप्शनल मैनेजमेंट के लिए थोड़ा ओवरलैपिंग है, तो इट हेल्प्स। मेरे मैनेजमेंट के FM वाला जो एक पेपर है वो पूरा नया है UPSC वालों के लिए, बट मेरा साइकोलॉजी का ऑप्शनल वहाँ मुझे हेल्प किया और उसी में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। तो मतलब मेरे तीनों पेपर में से उसमें मार्क्स ज़्यादा थे, क्योंकि साइकोलॉजी का नॉलेज वहाँ पे हेल्प किया था। और मैंने फेज वन के बाद से उसी पेपर को फोकस किया था क्योंकि वो पूरा नया था। और जैसे मुझे पता चला कि पबैड में भी थोड़ी बहुत थ्योरीज है, मैनेजमेंट थ्योरी, तो आप वो थोड़ा बहुत सिलेबस देख लो और ये जान लो कि कहाँ आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है, कहाँ आपके एडवांटेजेस हैं, तो इट इट विल श्योरली हेल्प। तो ये सही तो तुम्हारा आई थिंक पूरा श्रीराम के नोट्स या फिर रमेश सिंह या ये जो जितनी भी यस किताबें सर, होती हैं वहां से हो गया होगा। फाइनेंस में जैसे तुमने मुझे बताया इंटरव्यू से पहले कि बेजल पे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा और वो मेंस में भी आया था, यस फेज टू में भी आया था। तो वो एक टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें कि डिमांड करता है कि आपको टेक्निकली पता हो कि भाई बेजल 3 में ये स्टेप्स लिए गए और इन स्टेप्स के मतलब ये है और इनके इम्पैक्ट ये एक्सपेक्टेड है। उसमें बहुत सारे नंबर्स भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? सर। तो जैसे आप सिर्फ अगर UPSC नोट्स को रेफर करो, जैसे मैंने मृणाल सर का इकोनॉमिक्स के नोट्स रेफर करे थे बहुत टाइम, तो उस नोट्स में ये होता है कि मृणाल सर तो जानबूझ के उसको कट ऑफ कर देते हैं कि ये UPSC में नहीं आएगा। तो जहाँ पे सर ने कट ऑफ किया है आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ना है जाके, बी इट इंटरनेट और बी इट एनी कोचिंग मटेरियल। क्योंकि जैसे बेजल 3 है तो हमें बस वर्ड एसोसिएशन पता होता है कि हाँ अगर UPSC प्रीलिम्स में आएगा तो बेजल 3 हाँ इसी से रिलेटेड है, तो वो टिक मार्क करना है। और मेंस में ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा कि बेजल 3 के बारे में 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया पूरा, तो हम उसको डिटेल में उस तरह से पढ़ते नहीं है।
और उसी वजह से ना मेरा मेंस में वो सवाल हैंडल हो पाया था, ना मेरा इंटरव्यू में अच्छे से हैंडल हो पाया था। तो आपको इसीलिए क्वेश्चन का डिमांड, एग्जाम का डिमांड जान के अलग से प्रिपेयर करना है। आपने बेजल थ्री के बारे में श्योरली पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, बट आपको यहाँ आने पे बेजल थ्री को डिटेल में पढ़ना है। उसके जो भी प्रोविजन है, उसके जो भी नंबर्स है, 9.5%, 8.5%, वो सारे आपको याद रखने हैं। क्योंकि इंटर अगर मेंस में वापस भले रिपीट ना हो सवाल, इंटरव्यू में वन ऑफ द प्रोबेबल क्वेश्चन हमेशा रहेगा, और आपको उस टाइम पे वो परसेंटेज तक, उस डिटेल तक आपको बताना एक्सपेक्टेड है। मतलब फाइनेंस एक ऐसा एरिया है, माय पॉइंट वाज दिस कि फाइनेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इकोनॉमिक्स में, ईएसआई में, इंडियन इकोनॉमी में जो भी आपने पढ़ा है वो एक लेवल तक तो काम आएगा, बट उसके बाद शायद वो हेल्प ना कर पाए या फिर उसके बाद वो धोखा दे सकता है। तो आई थिंक उसके लिए आरबीआई वेबसाइट, जैसे तुमने तो नहीं उठाई थी, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को कि बहुत ज़्यादा भी नहीं तो आरबीआई के एफएक्यूज ही पढ़ के चले जाओ। तो एफएक्यूज में मेजॉरिटी ऑफ द बेसिक्स आर कवर्ड, जैसे कि बेजल थ्री हो गया, एनपीए हो गया, एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ भी बेसिक बातें हो गई, तो उससे एटलीस्ट ये मिस्टेक्स नहीं होंगी या ये गलतियां नहीं होंगी एग्जाम में, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और नंबर और भी ज्यादा आ सकते हैं, है ना। मतलब तो जैसे मैंने आप ही का स्ट्रेटेजी वीडियो देखा था प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए, तो उसमें इट वाज वन ऑफ द सोर्सेस आरबीआई वेबसाइट। तो मैंने पूरी तो एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, मैंने उससे गवर्नर की स्पीच और डेप्यूटी गवर्नर सर की स्पीच रेफर करी थी। तो वो स्पीचेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो जब आप उस इंटरव्यू स्टेज के प्रिपरेशन पे आओगे तो आपको श्योरली बताया जाएगा, कोचिंग का गाइडेंस होगा ही, तो वो आप प्रिपेयर करोगे। बट फेज टू के प्रिपरेशन के लिए जैसे सर ने बताया, एफएक्यूज विल श्योरली हेल्प। इंटरव्यू पे आते हैं, बिकॉज यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट अ लिटिल बिट। तो इंटरव्यू में दिस माइट हैव बीन अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि यार 4 साल का गैप है, हाउ विल द बोर्ड लुक एट मी, हाउ विल आई बी एबल टू जस्टिफाई माय गैप, माय ब्रेक इयर्स। तो हाउ वाज द इंटरव्यू और क्या क्या उसमें पूछा गया ऑन अ ब्रॉडर लेवल, एंड हाउ डिड यू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस? तो सर फर्स्ट थिंग, जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो, आप 2-3 जगह मॉक इंटरव्यूज देते हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं कि यूपीएससी के बारे में मत बताओ, यूपीएससी अगर बता रहे हो तो डिटेल में मत जाओ, ऊपर ऊपर से ही बस बोल देना कि 3-4 साल दिया है। फर्स्ट थिंग आप यूपीएससी बोलो ही मत, आप बोलो गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे थे। तो ओपिनियंस डिफर करेंगे, आई फील जो आप कंफर्टेबल हो बताने के लिए आप वो बताओ। और सिंस आरबीआई नोटिफिकेशन में ही ये बोलता है कि फ्रेशर्स आर एनकरेज टू अप्लाई, तो आरबीआई को कहीं ना कहीं ये पता ही है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स आएंगे, जो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिनके पास 2-3 साल का गैप ईयर होगा, तो वो हर एक अब जब हर इंटरव्यू कैंडिडेट के पास सेम सिचुएशन है, तो हर एक को ये नहीं पूछेंगे कि यार 4 साल से क्या कर रहे हो। तो जैसे मेरे साथ ये था कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था समवॉट ऑन द सेम लेवल जैसे इस अभी सेशन में दिया हूँ, तो सर ने नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा कि ओके 2017 के बाद से आप क्या कर रहे थे। तो मैंने बोला था कि हाँ सर मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उन्होंने बोला यूपीएससी, मैंने हाँ सर मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, सो दैट वाज इट। उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं पूछा, शायद ये पूछा था कि व्हाट वाज द प्रोग्रेस, तो मैंने बताया था कि हाँ सर 2 बार मेंस तक पहुंचा हूँ, दैट वाज इट। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ये नहीं पूछा कि क्या करना चाहते हो बाद में, आरबीआई में आओ, ये सवाल है जिस पे आप प्रिपेयर करोगे, आपको प्रिपेयर करना होगा कि प्रोबेबली कभी एक किसी इंटरव्यू में पूछा जाए कि आरबीआई में आने के बाद भी दोगे नहीं दोगे यूपीएससी वापस से वगैरह। बट उसके लिए मेरा था कि मैं ऑनेस्टली आंसर करूंगा जो मैं सोच रहा हूँ उस मोमेंट पे। तो मैंने वैसे सोच लिया था कि हाँ 1 साल का मुझे अभी ब्रेक चाहिए, तो मैं 5th अटेम्प्ट जैसे इस वाला 2021 वाला यूपीएससी नहीं दूंगा। तो इंटरव्यू में पूछा जाता तो भी मैं शायद यही बताता कि सर मैंने सोच लिया कि इस साल वाला नहीं देना है। ठीक है, और इंटरव्यू के बारे में बात करो तो सर ब्रॉड लेवल पे ही जेनरिक सवाल ही थे, एकदम टेक्निकल इंटरव्यू नहीं था उतना, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड, वो पहले आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो उसमें कोई फाइनेंस और एज सच कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो उन्होंने जैसे शुरुआत बेजल नॉर्म से की थी, उसके बाद करंट वाई आरबीआई, आरबीआई का इम्पोर्टेंस, आरबीआई के बारे में क्या जानते हो, फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड सवाल थे जैसे डीआईसीजीसी के बारे में पूछा था कि क्या अमेंडमेंट हुई है और आप क्या जानते हो उसके बारे में, इंश्योर होगा तो इज इट सफिशियंट, ये पूछा गया था, तो आप उस पे आपके व्यूज जानेंगे वो।
आप कैसे उसको बैकअप कर रहे हो? मैंने बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने बताया है कि 98% समवॉट अकाउंट्स आर गेटिंग इंश्योर्ड, सो इट इज सफिशिएंट इन माय ओपिनियन. और एक लेडी मेंबर थी पैनल में जिनका जिन्होंने सबसे उनके बैकग्राउंड रिलेटेड सवाल पूछे थे, तो मुझे भी अपने IIT एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था कि कौन सी गुड हैबिट आपने वहाँ सीखी, कौन सी बैड हैबिट आपने वहाँ एक्वायर की. फिर और एक था कि जैसे आप केमिकल इंजीनियरिंग से हो तो केमिकल इंजीनियरिंग कैसे हेल्प कर सकता है, बिकॉज पॉल्यूशन इज ऑन द राइज, तो सम गुड टेक्नोलॉजीज वगैरह. तो मेजरली यही था कि बैकग्राउंड रिलेटेड एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स रिलेटेड सवाल थे. वेरी नाइस, आई थिंक बहुत अच्छे से तुमने बता दिया है मेजर मेजर चीज़ें विच वर आस्क्ड इन योर इंटरव्यू. आई थिंक UPSC वालों को थोड़ा तो अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा इससे. बिफोर एंडिंग विद द इंटरव्यू, कल्पक, एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर और एनी मैसेज दैट यू वांट टू सेंड अक्रॉस स्पेशली टू ऑल द UPSC एस्पिरेंट्स लाइक यू जो इस साइकिल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और फिर समझ नहीं आता है कि क्या करें? सर, साइकिल ऐसे ही डिजाइन है UPSC का कि आप फर्स्ट जाते हो, बिकॉज जैसे अभी मेंस के मार्क्स जस्ट आए हैं, तो जिसका मेंस लास्ट ईयर नहीं हुआ, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्लियर करने वाले, वो दोस्त है मेरे जिनको आज पता चल रहा है अच्छा ये पेपर खराब हुआ था, तो उसमें ये होता है कि आप उस पर उतना काम नहीं कर पाते हो जो पेपर खराब हुआ था और आपको पता नहीं था. तो साइकिल ऐसे ही डिजाइन है कि आप उसमें लगे रहोगे, और कोई गलत बात भी नहीं है, लोग लगे रहते हैं क्लियर करते हैं. इट जस्ट जैसे मैंने पहले बताया कि आप कहाँ तक खींचना चाहते हो आपको डिसाइड करना है, और वो सिर्फ आप ही को सोचना है, उस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होने चाहिए. और जैसे साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है सर, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, वो हमेशा मुझे रिलेट कर पाता था मैं इसी चीज़ से कि आप कमिट किए हो, आपको कुछ करना है, इट्स अ ड्रीम जॉब और सोसाइटी में उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, तो जब आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो आपको हर कोई एक अलग नज़र से देखता है, तो आपको उससे बाहर आना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या उसी रीजन से आप इसमें लगे रहोगे, ये आपको ही सोचना है. एक मतलब जो जो अभी बिगिनर्स है या जिन्होंने एक अटेम्प्ट दिया है, उनके लिए ये एडवाइस कर सकता हूँ कि आप एक लाइन खींच लो कि थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट, इट कुड बी इवन फर्स्ट अटेम्प्ट, कि उसके बाद नहीं दूंगा वट एवर मे बी द रिजल्ट. आप भले इंटरव्यू स्टेज पे नहीं क्लियर कर पाए हो तो भी आप नहीं जाओगे आगे, अगर आप ये पहले से कहीं सोच लो तो इट विल हेल्प. क्योंकि यही होता है कि जब आप देखते हो कि यार मेंस एक मार्क्स से रह गया था, तो आप फिर वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हो. इंटरव्यू स्टेज पे एक मार्क्स से छूट गया था तो आप अगला अटेम्प्ट दे ही दोगे. बट इन द RBI इंटरव्यू इटसेल्फ आई मेट अ गर्ल हु सेड कि यार हर बार एक एक मार्क्स से ही छूट रहा था और मैंने 6 अटेम्प्ट ऐसे ही दिए, 6 अटेम्प्ट में नहीं हुआ. दोनों तरह के ओपिनियन, दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे जिनका 5th अटेम्प्ट तक नहीं हो रहा था और 6th में हो रहा था, बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिनका 6th में भी नहीं हुआ जो कि लाइमलाइट में नहीं आएंगे. तो आई एम नॉट अगेंस्ट UPSC और नॉट अगेंस्ट गिविंग ऑल द अटेम्प्ट्स. जहाँ तक आप एंजॉय कर रहे हो उस जर्नी को, वहाँ तक करो. और जहाँ जब उस एग्जाम से, उस साइकिल से बाहर निकलो, तो यार UPSC के लिए कड़वाहट नहीं होनी चाहिए. ये मेरा ओपिनियन है कि अगर आज जो जो एग्जाम में क्लियर कर पाया हूँ वो UPSC प्रिपरेशन के वजह से है, आज जो मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आया है वो UPSC प्रिपरेशन के वजह से है, तो आपको UPSC ने काफी कुछ दिया है भले आपको एग्जाम क्लियर नहीं किया हो. तो अगर इस आप उस नजर से उसको देखो और उस हेल्दी वे में आप उस साइकिल से बाहर आओ तो अच्छा है, रादर देन कर्सिंग UPSC एंड इट्स अनफेयर एंड सेइंग ऑल दिस थिंग्स. इट वोंट हेल्प यू और किसी को भी हेल्प नहीं करेगा. तो दैट विल बी ऑल. आई थिंक वेरी गुड पॉइंट. और मौका मिलेगा तो साइकोलॉजी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूंगा तुमसे. आई हैव बीन वांटिंग टू स्टडी साइकोलॉजी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. बुक्स भी लेके आता हूँ और वो बेचारी रखी रहती हैं. आई एम नेवर एबल टू पिक देम अप इन डिटेल. तो अल्लाह कभी टाइम मिलेगा. ऑल द बेस्ट कल्पक, बहुत मजा आया तुमसे बात करके. बहुत क्लैरिटी दिखी मुझे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक पॉजिटिविटी जो तुमने स्टार्टिंग में बोला वो अब जाके, मतलब अब मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ वो पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं, जो कि स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, हमारी एज के लोगों में होनी चाहिए. बहुत इम्पोर्टेंट है ना. इतनी एज आगे बची है तो इस एज पे पॉजिटिविटी नहीं रखोगे तो फिर 60 साल में क्या होगा जाके. ठीक है. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन. थैंक यू टू अनुज जिंदल टीम. यू हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन माई सक्सेस. मॉक इंटरव्यू, जो मेरा लास्ट मॉक इंटरव्यू था वो अनुज जिंदल सर के साथ था, उस सेशन ने थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था, बिकॉज उसके पहले वाला मॉक इंटरव्यू काफी खराब हुआ था, तो उसने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था. और थैंक यू वंस अगेन
And thank you for giving me this opportunity so that I can share my views. It's my pleasure. Okay. All the best. Take care. Bye-bye. Thank you, sir.